नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दिल्ली चुनाव में अब दिखेगा टीम मोदी का दम। दिल्ली में मतदान को अब मात्र 9 दिन का समय शेष रह गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का दौरा समाप्त होने के बाद टीम मोदी ने भी किरण बेदी के समर्थन में मैदान संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 5 दिनों में 4 रैलियां करने वाले हैं। मोदी की रैली से दिल्ली में आपके पक्ष में बन रहे माहौल को भाजपा लहर में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। भाजपा ने अपने प्रचार अभियान की कमान वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है। निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा भी अब यहां सक्रिय दिखाई देंगे। उन्हें केजरीवाल के करारे हमलों का जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किरण बेदी के रोड शो में पटाखा गिरने से कार जली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी के रोड शो में मंगलवार को की गई आतिशबाजी के दौरान जलता पटाखा गिरने के कारण एक कार जल गई। यह घटना शाम के समय जाफराबाद इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ओबामा नाम का मतलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की सहमेजबानी करते हुए ओबामा के नाम का मतलब भी बताया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोग हैरानी जताते हैं कि ओबामा का क्या मतलब होता है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली स्वाहिली भाषा में ओबामा का मतलब होता है वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे लगता है कि इस नाम के साथ उनके परिवार ने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है।